नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है वेयर चैनल पर। आज जो हमारा टॉपिक है वो एक स्पेशल पर्सन के बारे में रहेगा जिसने हमें ये संदेश दिया कि अगर आप सत्य के मार्ग पर चलते हैं, अगर आप सच बोलते हैं तो आप हमेशा विजयी रहेंगे। जैसा कि कहा भी गया है, सत्यमेव जयते। और इस पर्सन ने ये साबित करके भी दिखाया। पूरा स्टेट गवर्नमेंट इनके पीछे पड़ गया, इनको दबाने की कोशिश करी गई। कम से कम नहीं भी है ये, 480 दिन जेल में रहे, यानी कि आप लगा सकते हैं 1.5 साल के करीब। लेकिन ये फिर भी लड़े और बहुत शानदार जीते। आजकल आप देख रहे होंगे कि टीवी चैनल्स पर, मेन स्ट्रीम मीडिया में ज़्यादातर क्या है दिख रहा है, सुशांत सिंह राजपूत दिख रहा है, रिया दिख रही है। एक चलो मान लेते हैं जायज है कि उनके साथ गलत हुआ है, हुआ भी होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारा दिन वही चलाते रहो। हमारे देश में और कोई दिक्कत रही नहीं है, जैसे कोरोना की वजह से जॉब लॉसेस हो ही नहीं है, लोग मर नहीं रहे हैं, नए केसेस नहीं आ रहे हैं। अभी रिसेंटली JEE का पेपर हुआ, उसके बाद एकदम से सर्च देखा गया कि उसके नेक्स्ट डे ही 96,000 केसेस आए। क्या इसके बाद निशांक जी कुछ बोलना चाहेंगे? शायद नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा जो मेन इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है डॉक्टर कफील खान के बारे में, कैसे एक पर्सन ने पूरे एक एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ लड़ा और जीता भी। देखिए, कहानी शुरू होती है 2017 के अंदर। डॉक्टर कफील खान एक पेडियाट्रिशियन थे, यानी कि बच्चों के डॉक्टर हैं, ठीक है। तो क्या होता है, इनके ऊपर NSA भी लगता है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। लेकिन ऐसा हुआ क्या कि इनको 480 दिन जो है जेल में रहना पड़ा? क्या हुआ कि ये जो थे, ये डॉक्टर थे, कहाँ पर? बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के अंदर। वहाँ पर क्या हुआ कि बिल पेंडिंग पड़ा हुआ था 68 लाख रुपीज़ का, जो कि लिक्विड ऑक्सीजन सप्लायर होते हैं उनका। उन्होंने क्या किया कि ऑक्सीजन की जो पाइपलाइन होती है, जो डिलीवरी होती है, वो कट कर दी। अब रहा बात कि वहाँ पर जो बच्चे एडमिट थे उनको ऑक्सीजन की कमी होने लगी, दम घुटने लगा, मरने लगे। 63 चिल्ड्रन जो थे उनकी डेथ हो गई। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ कुछ बहाना बनाया कि मानो एनसाइफलाइटिस हो गया है, ये हो गया है। उसके बाद अगर जो मेन रिपोर्ट निकल के आई उसमें ये हुआ कि ऑक्सीजन की जो कमी के कारण इन बच्चों की डेथ हुई है। अब आप देखते होंगे कि ये वैसे भी जूनियर डॉक्टर थे, वहाँ पर इनके ऊपर सीनियर डॉक्टर, सीनियर्स की कभी गलती नहीं निकलती, गलती निकलती है तो छोटे पदाधिकारी जो लोग होते हैं उनकी गलती निकलती है। वही यहाँ पर हुआ। इस घटना में जो बलि का बकरा बने वो बने डॉक्टर कफील खान। और इस टाइम तक क्या हुआ कि मीडिया ने भी, खान है लेकिन मैं दोहराना चाहूँगा कि खान है, वो कोई टेररिस्ट नहीं है, उनको एकदम से बिल्कुल ऐसा बना दिया गया कि वो करप्शन के चार्जेस लगा दिए गए उनके ऊपर, कि वो
क्या कहते हैं कि प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। जितने भी फंसाना चाहते थे सब में फंसा दिया गया उन्हें, कि उनकी गलती है, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, इग्नोरेंस थी उनकी। ऐसे ऐसे कर दिया गया उन्हें, मजबूर किया गया, घर के तरफ से भी प्रताड़ित किया गया उन्हें, उनके भाई पर गोलियां चली। एक पर्सन को जितना दबाने की कोशिश करी गई यूपी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, उतना आपने कहीं नहीं देखा होगा। आप इस केस में ये देख सकते हैं कि अगर ये तो पढ़े लिखे आदमी थे, ये तो डॉक्टर साहब, अगर सोचिएगा अगर इनकी जगह पर कोई एक एक मान लीजिए, अगर स्वीपर को ले लीजिए या फिर कोई अनपढ़ ही व्यक्ति ले लीजिए, किसी भी केस में ले लीजिए, क्या वो इतना फाइट कर पाता? शायद इनके पास रिसोर्सेज था इसलिए ये लड़ पाए। अगर किसी गरीब व्यक्ति की हम बात करें जिसके पास ना तो रिसोर्सेज हो, ना ही एजुकेशन हो, ना ही उसको पता हो कि कैसे कुछ करा जाता है, क्या वो इतने सब प्रेशर के अंदर, जहाँ पर आपके ऊपर करप्शन चार्जेस लगा दिए गए, आपके ऊपर प्राइवेट आप वो कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो चार्जेस लगा दिए गए। अब आपको बताता हूँ एनएसए कैसे लगा इनके ऊपर। एनएसए क्या हुआ कि इनको बेल मिली, ये बुलाए गए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। वहाँ पर क्या हुआ कि इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि देखिए कैसे कैसे घुमा दिया जाता है केस को। इन्होंने ये बोला वहाँ पे स्पीच में, ये बोला कि देखिए ये जो CAA है और NRC है वो बेसिकली क्या है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जो इन्होंने बोला मैं उसको कोट कर रहा हूँ। उन्होंने ये बोला कि ये मुस्लिम्स को है हरेस करेंगे, ठीक है। तो जो बच्चे हैं, जो एडुकेटेड बच्चे हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनको ये करना चाहिए कि जितने भी सर्टिफिकेट हैं जो आपको प्रूव कर सकें कि आप यहाँ के रेसिडेंट हैं, आप यहाँ के सिटीजन हैं, आपको वो प्रिपेयर कर लेने चाहिए, अपने माँ बाप के प्रिपेयर कर लेने चाहिए, और आस पड़ोस में जो है वो प्रिपेयर कर लेने चाहिए, और जो हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए वो हमें पीसफुल करना चाहिए। ये इन्होंने बोला, ये मेरे थॉट्स नहीं है, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ये इन्होंने बोला। क्या इस पर NSA लगने की जरूरत थी? आप ये सोचिए। अकॉर्डिंग टू मी कोई NSA नहीं लगना चाहिए था। और अभी रिसेंटली जो जजमेंट आया है उसमें भी यही बोला गया है हाई कोर्ट ने, और जो डॉक्टर कफील खान है उनको बाइज्जत बरी किया गया है, और ये बोला है कि जो भी उनके साथ ये NSA लगा है वो गलत लगा है, जो भी उनके ऊपर करप्शन चार्जेस लगे थे वो सब झूठे थे। अब कुछ क्वेश्चन मैं यहां पर ये आपसे पूछना चाहूंगा, क्या हमें एक पर्सन को 480 दिन जेल में रखने के बाद, उसे इतना सब प्रताड़ित करने के बाद, जिन जिन लोगों के उसके खिलाफ बयान आए, जिन जिन मंत्रियों ने बयान दिए, क्या सबका फर्ज नहीं बनता उससे माफी मांगे? माफी तो शायद बहुत छोटा चीज होगा। उस पर्सन का पूरा करियर खराब कर दिया, उसकी पूरी सोशल लाइफ खराब कर दी। क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती स्टेट की? जब आप NSA लगा देते हो किसी पर्सन के ऊपर और वो गलत साबित हो जाती है, तो उसके बाद क्या? इस वीडियो में हमें ये सीखने को मिलता है कि आप सच्चाई के लिए लड़िए,
आप हमेशा जीतेंगे, बेशक से थोड़ी देर होगी पर जीतेंगे जरूर। दूसरी बात ये कि एनएसए के लिए और एनएसए को यूज करने पर कुछ ना कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए, गलत साबित होने पर या तो उनसे सॉरी का जो लेटर होता है या फिर और कोई अन्य चीज़ करवानी चाहिए जिससे जो उनकी सोशल लाइफ डिस्टर्ब हुई है वो ऐसे दोबारा से गलत तरीके से गलत यूज़ ना हो इस एनएसए एक्ट का, और किसी बेगुनाह को जिसने रात भर क्या किया, रात भर इन्होंने सिलेंडर जो थे ऑक्सीजन सिलेंडर थे उसको इकट्ठा किया जितना कर सकते थे और फिर इनको ये देखने को मिला। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि सत्य के लिए बोलिए, सच के लिए खड़े होइए और सच का जरूर साथ दीजिए, क्योंकि झूठ तो झूठ ही होता है। हर धर्म में ये सिखाया जाता है, सत्य के लिए लड़िए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, पीयूष ठाकुर साइनिंग ऑफ, जय हिंद जय भारत।